यूपी पंचायत इलेक्शन 2021 की आरक्षण सूची को लेकर एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि यूपी सरकार ने पंचायत चुनाव में ऐसे किया आरक्षण का प्रावधान। चलिए जानते हैं पूरी प्रक्रिया, कब होंगे मतदान, इस वीडियो में देंगे हम आपको पूरी जानकारी। वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें, पूरा देखें। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। अब लोगों को आरक्षण सूची का इंतजार है। इस समय अधिकांश जिलों में प्रशासनिक स्तर पर आरक्षण सूची का काम चल रहा है। लखीमपुर में क्षेत्र पंचायत की सीटों पर आरक्षण के निर्धारण के लिए पंचायती राज विभाग ने पिछले 5 चुनावों में आरक्षित हुई सीटों की लिस्ट निदेशालय को भेजी है। शासन स्तर पर ग्राम पंचायतों की सीटों के आरक्षण के लिए पिछले 5 चुनावों में आरक्षण की सूची तैयार कराई जा रही है। चलिए जानते हैं कि इस बार पंचायत चुनाव में क्या है आरक्षण की प्रक्रिया। तो आपको बता दें, किसी एक विकासखंड में अगर 100 ग्राम पंचायतें हैं, 2015 के चुनाव में शुरू के 27 ग्राम प्रधान पद पिछला बार के लिए आरक्षित किए गए थे, तो इस बार के पंचायत चुनाव में इन 27 के आगे वाली ग्राम पंचायतों के आबादी के प्रधान पद पर आरक्षण दिया जाएगा। इसी तरह अगर किसी एक विकास खंड में अगर 100 ग्राम पंचायतें हैं और वहां 2015 के चुनाव में शुरू की 21 ग्राम पंचायतों के प्रधान पद ऐसी के लिए आरक्षित किए गए थे, तो अब इन 21 के आगे वाली ग्राम पंचायतों के पद अवरोही क्रम में ऐसी के लिए आरक्षित होंगे। चलिए जानते हैं पंचायत चुनाव में सीटों के आरक्षण का चक्रानुक्रम फार्मूला। पहले एसटी महिला, फिर एसटी महिला पुरुष, पहले एससी महिला, फिर एससी महिला पुरुष, पहले ओबीसी महिला, फिर ओबीसी महिला पुरुष। अगर तब भी महिलाओं का एक तिहाई आरक्षण पूरा ना हो तो महिला इसके बाद अनारक्षित। इसी बीच आपको बता दें कि इससे पहले पंचायत चुनाव में सीटों के आरक्षण की प्रक्रिया जिला स्तर पर समिति के माध्यम से कराई जाती थी, लेकिन अब की शासन स्तर पर पंचायतों में सीटों का आरक्षण निर्धारित किया जाएगा। इससे जुगाड़ के सहारे आरक्षण में हेराफेरी करने की मंशा रखने वाले संभावित प्रत्याशियों को झटका लगा है। हालांकि लोग अभी हार मानने को तैयार नहीं है और डीपीआरओ कार्यालय के चक्कर लगा रहे हैं। जिलों में ब्लॉकवार भेजी गई आरक्षण की सूची क्षेत्र पंचायत की सीटों के आरक्षण के लिए 2015, 2010, 2005, 2000 और 1995 में पंचायत चुनाव के दौरान लागू आरक्षण की ब्लॉकवार सूची निदेशालय को भेजी गई है, जिसके आधार पर 2021 में सीटों का आरक्षण तय किया जाएगा। इसी तरह ग्राम पंचायत की सीटों के आरक्षण के लिए पिछले 5 बार हो चुके पंचायत चुनाव में आरक्षण की सूची तैयार कराई जा रही है, जिसे जल्द ही निदेशालय भेजा जाएगा। इसी बीच आपको बता दें कि 5 सालों में पंचायतों का दायरा सिमट गया है। वहीं कल एक खबर सामने आई थी कि उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में परिसीमन के बाद साल 2015 की तुलना में 5 सालों में पंचायतों का दायरा सिमट गया है, जिसके चलते जिला पंचायतों के 3120 वार्ड अब घटकर 3031 रह गए हैं। 880 ग्राम पंचायत शहरी क्षेत्र में शामिल हो गई हैं। जानकारी के मुताबिक यूपी में इस बार 59074 की जगह 58194 ग्राम पंचायतों में प्रधानी के वोट पड़ेंगे। वहीं ग्राम पंचायतों में वार्डों की संख्या कम हो गई है। वीडियो के आखिर में आपको बता दें कि परिसीमन का काम लगभग पूरा हो चुका है, जबकि फाइनल वोटर लिस्ट 22 जनवरी को जारी होगी। लेकिन इस सबसे इतर दावेदारों की नजर आरक्षण पर टिकी है। खास ये है कि इस बार पंचायतों में आरक्षण मैनुअल की बजाय विशेष सॉफ्टवेयर से ऑनलाइन होना है। इसके लिए विभागीय पोर्टल पर पिछले 5 चुनावों के आरक्षण का ब्यौरा फीड किया जा रहा है। पंचायत चुनाव के दावेदारों में सबसे ज्यादा बेचैनी आरक्षण को लेकर देखी जा रही है। इसके बाद ही तय होगा कि किस गांव में किस जाति का उम्मीदवार चुनाव लड़ सकता है, क्योंकि गांव अगर आरक्षित हो गया तो सामान्य जाति के लोग वहां से चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। इसी तरह अगर गांव महिला के लिए आरक्षित हो गया तो वहां से कोई पुरुष पर्चा नहीं भर सकता है। उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही ताजातरीन खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।